ट्रिग्नोमेट्री हमने कल क्या क्या पढ़ा दिया था पहले तो ये बताओ। डिग्री के बारे में बताया था, डिग्री के बारे में, रेडियन के बारे में बताया था। हाँ, डिग्री के बारे में क्या बताया था? डिग्री के बारे में आपने ये बताया था कि ये एक सर्किल है, चाहे कोई सा भी रेडियस हो, छोटा सर्किल या बड़ा सर्किल या बहुत बड़ा सर्किल या बहुत छोटा सर्किल, उसके करने हैं हमको 360 हिस्से। तो उस 360 में जो एक हिस्सा जो एंगल सर्किल कर रहा होगा सेंटर पे उसको बोलेंगे वन डिग्री। शाबाश, वन रेडियन। रेडियन वो होता है कि आप एक सर्किल है, एक सर्किल का आपने एक सर्किल के सर्कमफेरेंस का एक पार्ट लिया जिसको आर्क बोलते हैं। ठीक, उस आर्क अगर आपने उस आर्क की लेंथ इक्वल रखी रेडियस की लेंथ, ठीक, और आपने एंगल सब्टेंड करा तो उसको बोलते हैं वन रेडियन। वन रेडियन, ठीक है, रेडियन का फॉर्मूला। शाबाश, रेडियन का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, बिल्कुल सही। अच्छा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। वन डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन? पाई अपॉन 180 रेडियन। फिर उसके बाद कॉस और सेक को छोड़ करके जो दूसरे चार रेशियोज है उन सब के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू जाएगी तो नेगेटिव आ जाएगा। कॉस के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू जाएगी तो पॉजिटिव, यानी कि अगर कॉस माइनस एक्स लिखा होगा तो कॉस माइनस एक्स बोले तो कॉस एक्स। इसी तरह से सेक माइनस एक्स अगर लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके बारे में बता रहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? इसको समझने से पहले ये बताइए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक ऐसी चीज होती है जो कि इनपुट वैल्यू लेती है, उस इनपुट वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, कुछ टास्क परफॉर्म करती है, टास्क को परफॉर्म करने के बाद आउटपुट दे देता है। बात क्लियर हुई? कॉल पे बात कर रहे हैं, कॉल पे बात करने के बाद कॉल को कट करना है, तो कट करने वाला जो बटन है कौन सा ऐसा बटन है जो कि कट कर कॉल को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका फंक्शन होगा कॉल को कट करने के लिए, रेड वाला होगा। तो रेड को जब हम लोग दाबेंगे तो उसके ऊपर हम लोग इनपुट दे रहे हैं, फिर रेड वाला फंक्शन क्या करेगा, उस इनपुट को परफॉर्म करेगा, टास्क परफॉर्म करेगा और आउटपुट क्या दे देगा, कॉल को काट देगा। बात समझ में आया? फंक्शन के बारे में ये एग्जांपल दिया। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, जो रेशियोज हैं कितने हैं, टोटल 6 हैं। ये 6 रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, यानी कि इनके अंदर वैल्यूज को इनपुट कराएंगे और आउटपुट देगा। बात क्लियर है? जैसे साइन वाला हमने रेशियो उठाया, हमने क्या बोला कि ये जो साइन वाला रेशियो है ये फंक्शन है, तो इसके अंदर हमने इनपुट डाली 0 डिग्री। इनपुट क्या डाला? 0 डिग्री। फिर इसने क्या करा, परफॉर्म किया ऑपरेशन और आउटपुट क्या दे दिया, 0 की वैल्यू होती है 0, आउटपुट दे दिया 0। अगर हमने 0 की जगह 90 डिग्री डाला, उसने आउटपुट क्या दे दिया, 1 दे दिया। बात क्लियर है? इसी तरीके से कॉस के साथ, इसी तरीके से और छइयों जितने भी टोटल रेशियोज हैं उनके साथ भी यही काम होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है ये बेसिकली क्या है, ये एक फंक्शंस है। फंक्शंस का मतलब समझ गए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ये वैल्यूज को इनपुट लेती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं रेंज के बारे में और डोमेन के बारे में। रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है? ठीक भैया, रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है, मालूम नहीं? देखो, डोमेन जो होता है, डोमेन को हम लोग
जनरल टर्म में अगर लिखना चाहें तो डोमेन को बोलते हैं बाउंड्री, बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं लिमिट बोल सकते हैं। डोमेन को क्या बोल सकते हैं? बाउंड्री बोल सकते हैं या फिर लिमिट बोल सकते हैं। समझ में आया? डोमेन को क्या बोल सकते हैं? बाउंड्री बोल सकते हैं या फिर लिमिट बोल सकते हैं। रेंज तो आपको मालूम है, रेंज का मतलब होता है कि कितनी रेंज को जनरली बोल सकते हैं कि यहां से लेकर कि यहां तक ही रेंज है, ठीक है। रेंज का तो लफ्ज का मतलब तो मालूम है, ठीक। देखो डोमेन जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है इनपुट के लिए। काहे के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इनपुट के लिए। रेंज जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है आउटपुट के लिए। काहे के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आउटपुट के लिए। ये जो रेंज और डोमेन है ये फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात क्लियर है? कैसे? जो फंक्शन के अंदर हम लोग जो इनपुट डालते हैं, जैसे सपोज दैट हमने एक फंक्शन लिखा y इज इक्वल्स टू फंक्शन एफ एक्स, ठीक। इसके अंदर जो इनपुट डालेंगे वो एक्स की वैल्यू डालेंगे और ये जो फंक्शन जो होगा वो एक्स की वैल्यू को परफॉर्म करके एक्स की वैल्यू के ऊपर कोई भी टास्क या कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करके एक आउटपुट देगा और वो आउटपुट क्या देगा? वाई देगा। बात समझ में आई? एक्स जो होता है यानी कि इनपुट के लिए डोमेन। बात क्लियर है? y क्या है? आउटपुट है। तो y के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? रेंज इस्तेमाल करी जाएगी, ठीक है। अब डोमेन क्या है? डोमेन है बाउंड्री या फिर लिमिट, या फिर ये बोल सकते हैं कि ऐसा इनपुट जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो, डोमेन को उसको डोमेन बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऐसा इनपुट, यानी ऐसा इनपुट दे जिसपे फंक्शन डिफाइंड हो, यानी कि जिसपे फंक्शन वैल्यू को आउटपुट कर सके। अच्छा। बात क्लियर है? हमने तुमसे कहा कि तुम नीचे उतर के स्कूटी चलाओ, ये हमने तुम्हें इनपुट दिया, अब तुम ये काम कर सकते हो, डिफाइंड है, आउटपुट कर सकते हो। जब तुम कर सकते हो तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जो आउटपुट है वो डिफाइंड है। हमने तुमसे बोला कि बाहर जाओ और उड़ो, ये हमने इनपुट दिया, तो क्या अब तुम उड़ सकते हो? उड़ सकते हो? नहीं उड़ सकते। तो ये क्या है? नॉट डिफाइंड है। बात क्लियर है? यानी कि ऐसा इनपुट, काम पे ध्यान लगाओ भैया तुम, हाँ, ऐसा इनपुट जिसपे फंक्शन डिफाइंड हो, यानी कि फंक्शन आउटपुट निकालने के काबिल हो, फंक्शन आउटपुट निकालने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखता हो, उसको बोलते हैं डोमेन। बात क्लियर है? ठीक। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आउटपुट के लिए। यानी कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन का आउटपुट
किन दो वैल्यूज के बीच में उसका आउटपुट रहता है? किन दो वैल्यूज के बीच में आउटपुट रहता है उसको बोलते हैं रेंज। बात समझ में आई जी? इसको और अच्छे समझने के लिए साइन का हम लोग लेते हैं एग्जांपल। क्या लेते हैं? साइन का। ठीक, साइन एक्स, इसको हम लोग, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फंक्शन को जब भी प्लॉट करना होता है, फंक्शन को जब भी विजुअलाइज करना होता है, फंक्शन को क्या करते हैं? विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज का मतलब ग्राफ पेपर के ऊपर उसको ड्रॉ करते हैं, उसके इनपुट को ड्रॉ करते हैं और उसके आउटपुट को ड्रॉ करते हैं। ये बहुत हाई लेवल का बात है, विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज का मतलब क्या? उसके इनपुट को ड्रॉ और इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मैप हो रहा है उसको ड्रॉ करना। इस ड्रॉ करने को क्या बोलते हैं? विजुअलाइज करना। हमेशा हम लोग फंक्शन को विजुअलाइज करते हैं। जब भी बात आती है विजुअलाइज की तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्राफ पेपर का, एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं और वाई एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। एक्स एक्सिस होती है इनपुट के लिए, वाई एक्सिस के लिए आउटपुट। समझ में आया? एक्स एक्सिस पे इनपुट की वैल्यू हम लोग प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू? आउटपुट की। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन माना y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x। इसमें बेटा इनपुट कौन कौन सी वैल्यू होगी? इनपुट के लिए क्या? x की वैल्यू। समझ में आया? और जो आउटपुट होगा वो काहे के लिए होगा? y। बात क्लियर है? इसको विजुअलाइज करना है तो क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ पेपर बनाना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, x एक्सिस बनाना पड़ेगा और y एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस है, ये y है, माइनस ऑफ x, ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वाई। बात क्लियर है? ठीक, सबसे पहले तो विजुअलाइज करने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग इनपुट को प्लॉट करते हैं और उसी के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट निकलता है उसको प्लॉट करते हैं। फंक्शन के लिए सबसे पहले हमने जीरो से स्टार्ट करते हैं। किसी भी फंक्शन को विजुअलाइज करना है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा? ओरिजिन। x की वैल्यू जब हमने जीरो डाली, x की वैल्यू क्या डाली? जीरो डिग्री, यानी कि y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ जीरो डिग्री। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी? साइन जीरो की वैल्यू जीरो, यानी कि y की वैल्यू भी क्या आ गई? जीरो। तो हमारे पास एक पॉइंट मिल गया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो कॉमा जीरो। बात क्लियर है? जीरो कॉमा जीरो कुछ नहीं है बल्कि क्या है? ओरिजिन है। पहला पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। फिर हम x की वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री। क्या ली हमने? 30 डिग्री, यानी कि तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2 बोले तो 0.5। तो हमारे पास पॉइंट क्या मिल गया? 30 डिग्री कॉमा 0.5। बात समझ में आए? x एक्सिस पे 30 डिग्री और y एक्सिस पे 0.5। ये हमारा यहाँ पे कहीं 30 डिग्री होगा और ये आपका 1 है, तो 1 और 0 के बीच में आधा होगा 0.5। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा? ये पॉइंट आ जाएगा। 30 डिग्री कहाँ हो गया? 30 डिग्री को अगर प्लॉट करना है, ये दिक्कत हो रही है। 30 डिग्री को प्लॉट करने के लिए 30 × π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपका π/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? π/6। π/6 का मतलब होता है 22/7 / 6, यानी कि 22/6 और 7 नीचे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 42। इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, हम कैलकुलेटर ओपन करके इसकी वैल्यू निकाल लें, 22/42, तो बेटा इसकी वैल्यू आई है 0.52। क्या इसकी वैल्यू आई है? 0.52। तो यानी कि हम इसको कहाँ पे प्लॉट करें?
सपोज दैट ये हमारा है वन, तो 0.52 यहाँ पे लाई करेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। या फिर 30 डिग्री को और क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 लिख सकते हैं रेडियन में। देखो जब कभी भी प्लॉट करना होगा एंगल को, तो एंगल को हमेशा पहले कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को हम प्लॉट करेंगे। बात क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू को बेटा क्या डाली, 60 तो भी रहने दो, पहले 45 ले लो, ठीक है 45 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 45, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2 यानी कि 1/1.414। इसको डिवाइड करके हम देख रहे हैं कि इसको डिवाइड करके क्या आई वैल्यू, 1/1.414। इसकी वैल्यू आई है 0.7 आई है, क्या वैल्यू आई है, 0.7। यानी कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट मिला है वो क्या मिला है, 45°, 0.7। अब 45 डिग्री को प्लॉट करना है तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करें या ना करें, डायरेक्टली हम प्लॉट कर देंगे, इसके बाद ही होगा, किसके बाद होगा, 30 के बाद ही होगा, ठीक है। तो यहां पे सपोज दैट ये आया आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू क्या थी, 0.7 थी, तो y 0.7 इसके ऊपर होगा हल्का सा, यहां पर बनेगा जी, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, 60 डिग्री की, 60 डिग्री की वैल्यू जो आएगी y इज इक्वल्स टू आ जाएगा √3/2 यानी कि 1.732/2। 1.732 की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए कैलकुलेटर से, 32/2 0.8 आ रही होगी, हाँ 0.866 आएगी इसकी वैल्यू। तो यानी कि ये इससे भी ऊपर होगा थोड़ा, बात क्लियर है, यहाँ पे होगा वन से हल्का नीचे होगा, वन से हल्का सा नीचे होगा। तो वन को हमने यहाँ बनाया, एक वन को थोड़ा और शिफ्ट कर देते हैं, ये आपका वन हो जाएगा। फिर हम लोग बनाते हैं किसके लिए, 60 के लिए हो गया, 90 डिग्री के लिए बनाते हैं। 90 डिग्री को जब बनाएंगे तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बात क्लियर है, समझ में आया? देखो ये हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग फंक्शन को विजुअलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विजुअलाइज। और विजुअलाइज क्यों कर रहे हैं, रेंज निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए। रेंज किसके लिए निकाली जाती है, आउटपुट के लिए। देखो जब कभी भी हमें रेंज निकालनी है तो हम लोग चलेंगे 0 से लेकर 2π तक के चलेंगे, 2π बोले तो 360 तक के, यानी कि हम लोग 360 तक के इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक। हम लोगों ने निकाल लिए 30 पे निकाल लिए, 45, 60, 90, 90 के बाद डायरेक्ट आ जाओ 180, कितने पे आ जाओ, 180 पे। तो भैया साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, साइन 180 की वैल्यू, साइन 180, 180 को कैसे लिखेंगे, 90 प्लस 90, शाबाश, यानी कि साइन 90 प्लस 90। 90 प्लस 90 कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, साइन और साइन का ऑपोजिट, साइन और कॉसेक, यानी कि साइन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइन। ये 90 है तो 90 क्या कर देगा, साइन को चेंज कर देगा, किसमें चेंज कर देगा, कॉस में, और कॉस 90 आ जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू बेटा क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक। कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि साइन 180 की वैल्यू क्या हो गई, 0। बात क्लियर है?
तो हमने यहां से लेकर के 90 यह हाथ लिया और 90 तय गैप लेकर के ये आपका हमने 180 डिग्री बना दिया, और 180 डिग्री पे कितनी वैल्यू है? जीरो। बात क्लियर है, समझ में आ गया? 180 डिग्री हो गया सर। तो इसमें सवाल कैसे? बता रहे सवाल अभी नहीं, अभी ये सवाल पे से कोई रिलेशन नहीं, अभी सिर्फ रेंज निकालना। देखो रेंज का मतलब बता रहे हैं, डोमेन का मतलब भी बताएंगे, पहले रेंज बता रहे हैं, ठीक, विजुअलाइज करके। ये आपका हो गया 180 पे क्या है, 180 पे वैल्यू क्या है? जीरो। अब निकालो 180 प्लस 90 कितना हुआ? 180 प्लस 90 270 हो गया। अब साइन 270 की वैल्यू निकालो जरा, साइन 270 की वैल्यू, हाँ साइन 270 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसको कैसे लिखेंगे साइन 270 को? 180 प्लस 90, बिल्कुल सही, नहीं करेगा साइन 90 की वैल्यू, शाबाश। 180 प्लस 90 यानी कि साइन 270 को क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 90 लिख सकते हैं। साइन 180 प्लस 90 कौन से क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है? नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा 180 साइन को चेंज करता है या नहीं चेंज करता? नहीं चेंज करता है, तो ये आपका साइन ही रहेगा, ये आपका 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास वैल्यू क्या हो गई? -1। तो 270 पे वैल्यू क्या है? -1 है। 270 कहां, कहीं यहां पे आएगा कहीं 270, तो यानी कि -1 नेगेटिव में आ गया, ये +1 ऊपर है नीचे ये, तो ये हमने येलो से मार्क कर दिया, ठीक, -1। अब हम निकालेंगे 360 पे, साइन 360 की वैल्यू क्या होती है भैया? साइन 360, इसको कैसे लिखेंगे? साइन 360 को कैसे लिखेंगे? 180 प्लस 180 भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं? 270 प्लस 90, 270 प्लस 90, 270 प्लस 90 लिखा। 270 प्लस 90 कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, शाबाश। अब ये साइन चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? नहीं होगा। 270 और 90 ये दोनों चेंज कर देते हैं, तो कॉस क्या हो गया? 90 हो गया। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। कुल मिलाकर साइन 360 की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई, यानी कि यहां पर आगे जा करके 360 मिलेगा और 360 पे जीरो वैल्यू आ गई, यानी कि अपन जहां से शुरू हुआ है वहीं पे अपन पहुंच गया है। बात क्लियर है, जहां से शुरू हुआ है वहीं पे पहुंच गया। अब ये बताओ, ये पूरा हम इसको ट्रेस करें, ट्रेस करने अपन को ये मिला, ठीक है। अब ये जो रास्ता चला है इसमें मिनिमम वैल्यू अपना हम लोगों को क्या मिली है? सबसे मिनिमम वैल्यू इन रास्ते में, गलत नहीं, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, हाँ मिनिमम का मतलब क्या होता है? सबसे कम वैल्यू कौन सी मिली है? जो सबसे नीचे होगा, या आपका -1 मिली है, -1। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली है? 1 मिली है। तो बेटा जो रेंज होती है वो क्या होती है? -1 से लेकर के 1। अच्छा। और 1 और -1 दोनों इंक्लूड है, यानी कि आउटपुट हमारा कौन सी रेंज में आ रहा है? ये आउटपुट ही तो आ रहे हैं। हाँ। ये जीरो क्या आया? साइन जीरो पे आया, आउटपुट जीरो। हाँ। जीरो पे एक्स की, जीरो की एक्स की वैल्यू जीरो पे, वाई की वैल्यू क्या है? ये जीरो आई है आउटपुट। एक्स की 90 वैल्यू पे वाई की वैल्यू क्या आई है? 1 आई है, ये आउटपुट आया। एक्स की 180 पे क्या आई है वाई की वैल्यू? जीरो आई है। 270 पे क्या आई है? -1। 360 पे क्या आई है? जीरो। तो जो मिनिमम वैल्यू और जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है आउटपुट की, उसी को बोलते हैं रेंज। यानी कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा किस रेंज में वैल्यू देगा? -1 और 1 की रेंज में वैल्यू देगा। इसकी हद क्या है? बात क्लियर है? ये रेंज होगी, बस ये रेंज है। अच्छा, आपका आधार है क्वेश्चन करने के बाद रेंज पूछी जाएगी, तो ये रेंज।
बस ये रेंज है साइन फंक्शन की। ठीक है, अब डोमेन की बात आती है। देखो जीरो से लेकर के 360 के बीच में वाई की, हाँ उसी को बोलते हैं रेंज, रेंज बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक, अच्छा अब ये बताओ, अब देखो हम लोगों ने परफॉर्म क्या किया जीरो से लेकर के 360 तक के, जीरो से लेकर के 360 पे क्या कभी फंक्शन नॉट डिफाइंड हुआ है? क्या फंक्शन नॉट डिफाइंड हुआ है 360 तक के? फंक्शन नॉट डिफाइंड हुआ है, हमेशा उसने वैल्यू को आउटपुट करी है, वैल्यू दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर आप चाहे कोई सी भी वैल्यू डाल दो ये आउटपुट निकाल देगा, कोई सा भी नंबर डाल दो ये आउटपुट देगा। कोई सा भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं? नहीं क्या, कौन सा सेट इस्तेमाल करते हैं? एक होता है शाबाश रियल नंबर, तो इसकी डोमेन क्या हो गई? रियल नंबर। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया डोमेन का मतलब और रेंज का मतलब? ठीक, ये हो गया साइन फंक्शन का। तो यानी डोमेन पूछी जाएगी, तो डोमेन पूछे जाएंगे रियल नंबर है, यानी कि आप कोई सी भी वैल्यूज के अंदर इनपुट डालो ये आउटपुट निकाल देगा। हमारे गोले पे चाहे जो भी नंबर आप इसके अंदर इनपुट डालो ये आउटपुट निकालने की इसके अंदर सकत है, ताकत है। ठीक है, कभी भी ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा। नॉट डिफाइंड किस केस में होगा? टैन के केस में। टैन के केस में कब? 90 डिग्री पे। कॉट के केस में कब? 0 डिग्री पे। सेक के केस पे कब? सेक के केस में 90 डिग्री पे, क्योंकि सेक 90 क्या होता है, देखो कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 जीरो होता है, तो सेक 90 इसका ऑपोजिट होगा। तो जीरो जब ऑपोजिट करेंगे तो जीरो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जब जीरो डिनोमिनेटर में जाता है तो तहलका मचा देता है, उसको नॉट डिफाइंड ही कर देता है, यानी कि उसकी ऐसी खतरनाक हालत करता है कि बस इज्जत की रहने दो, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक, अच्छा अब बताओ कॉसेक के केस में कब? कॉसेक के जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, जब साइन जीरो को और रेसिप्रोकल करेंगे तो जीरो नीचे चला जाएगा, कॉसेक जीरो। ठीक, अच्छा देखो जब हमने क्या बताया साइन के केस में, साइन के केस में जो रेंज होती है, रेंज क्या होती है बेटा? माइनस वन से वन। देखो ये क्या, ये हमने कौन से ब्रैकेट बनाए? ये हाँ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि माइनस वन इंक्लूड है और वन भी इंक्लूड है, और इनके बीच की जो वैल्यू है वो भी इंक्लूड है। माइनस वन से लेकर के वन के बीच में जो वैल्यू है वो भी इंक्लूड है। क्या 1.2 इसके इसके अंदर आती है? बिल्कुल नहीं। क्या माइनस वन इसके अंदर आती है? बिल्कुल सही, समझ में आ गया रेंज। तो जब साइन की डोमेन लिखेंगे क्या लिखेंगे? डोमेन, डोमेन को क्या लिखेंगे? कैपिटल आर, रियल नंबर। ये साइन का हो गया, बात क्लियर? ठीक, अब चलते हैं कॉस की तरफ। ये वैरी करेगी, कुछ नहीं वैरी करेगा, बस यही रेशियोज में वैरी करेगी ना, रेशियोज में वैरी करेगा। साइन के लिए ये फिक्स हो गया, अब बात करते हैं कॉस के लिए। भैया कॉस के लिए जीरो से लेकर के 90 तक के कभी नॉट डिफाइंड हुआ है? नहीं, नॉट डिफाइंड नहीं हुआ। तो भैया इसकी डोमेन क्या हो गई? रियल नंबर हो गई, बात क्लियर है? अब इसकी रेंज क्या हो गई? रेंज, इसकी रेंज इसकी भी रेंज होती है माइनस वन से वन, इसकी भी रेंज क्या होती है? माइनस वन से वन। समझ में आ गया, ये कॉस का हो गया। आगे चलते हैं टैन की बात करते हैं। टैन एक्स की कौन सी वैल्यू पे ये नॉट डिफाइंड होता है? 90 पे नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि इसकी सिर्फ और सिर्फ अपन लोग बात करेंगे डोमेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डोमेन के बारे में। रेंज के बारे में इसलिए नहीं बात कर रहे क्योंकि टैन का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ग्राफ पे जब हम बनाएंगे तब हम रेंज की बात करेंगे। ठीक है, तो डोमेन इसकी क्या होगी भैया? ये कौन सी वैल्यू पे नॉट डिफाइंड होता है? 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है। तो यानी कि
इसकी जो डोमेन होगी, इसकी जो हद होगी, वो 90 को हटा करके ही होगी सारे नंबर। बिल्कुल सही। तो जब वो 90 पे नॉट डिफाइंड होगा, तो 90 के जैसा जो 270 डिग्री उस पे भी नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 90 और 270 का जो बिहेवियर होता है सेम होता है। 180 और 0 का बिहेवियर सेम होता है। अच्छा। ये बात ध्यान रखना, 180 या फिर 0 या फिर 360 आपके सामने आ जाए, या फिर 180 का मल्टीपल आ जाए आपके सामने, भैया 180 का मल्टीपल ही तो 360 है, और 180 का मल्टीपल ही तो 720 है, ठीक है। तो अगर 180 का मल्टीपल आप देखें तो इन सब का बिहेवियर क्या होता है, सेम होता है। 90 और 90 का मल्टीपल आप देखें, 90 और ये 270, या फिर हम नहीं 270 का मल्टीपल, किसका 270 का मल्टीपल, ये जो इसका बिहेवियर भी क्या होता है, सेम होता है। यानी कि 90 पे अगर ये नॉट डिफाइंड है तो 270 पे भी 100% नॉट डिफाइंड होगी। थोड़ी सी डाउट है सर, वो हम डाउट क्लियर कर दे रहे हैं, क्या tan 270 पे वैल्यू निकाले दे रहे हैं। tan 270 को क्या लिखेंगे, 180 प्लस 90, शाबाश, ये क्लियर है। 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 कौन से क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये tan रहेगा या cot बंद बदल जाएगा, tan ही रहेगा। क्यों tan रहेगा, क्योंकि 180 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा, माइनस tan 90, माइनस tan 90 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी प्लस है, नॉट डिफाइंड। tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, नॉट डिफाइंड हो गई। और इसके जैसे भी जो नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएंगे, ठीक। तो जब इसकी डोमेन लिखते हैं, डोमेन कैसे लिखते हैं, डोमेन कैसे लिखते हैं tan की, 90 को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल नोटेशन क्या होता है, 90 के लिए 0, 180 के लिए तो n पाई होता है, 90 के लिए क्या होता है, भूल गई, गलत, जनरल नोटेशन पूछ ले, यानी कि जो सारे 90 को रिप्रेजेंट करे, 270 को रिप्रेजेंट करे, माइनस 90 को रिप्रेजेंट करे, माइनस 270 पे रिप्रेजेंट करे, जब हम n की वैल्यू डाले 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, भूल गई, 2n प्लस 1 आगे पाई बाय 2, देखो इधर आओ सुनो, देखो 90 और 270 और इनके बिरादरी के जितने भी नंबर्स हैं उनको जनरल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखते हैं, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। बात क्लियर है, ये काहे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 90 और 90 के जात वाले लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। 0, 180, 360, 720 ऐसी वाली जात को रिप्रेजेंट करने के लिए n पाई रखा जाता है, क्या रखा जाता है, n पाई, ठीक। तो भैया इसकी डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू, इसकी डोमेन क्या होगी, x माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बात क्लियर है, ये क्या लिखा है, समझ में आया भैया, हमारे गोले पे जितने भी नंबर हैं, हमारे गोले पे जितने भी नंबर हैं उन नंबर में से अगर 90 आ जाए तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अगर उन नंबर में से 270 आ जाए तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। जब नॉट डिफाइंड होता है वो हमारी डोमेन में नहीं आता, वो हमारी हुदूद में नहीं आता, यानी कि ऐसे और इनके जैसे वाले नंबर को निकालना पड़ेगा।
हमारे गोले पे जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबर में से 90 वाले और 90 के बिरादरी वाले जितने भी नंबर हैं उन सबको हटा दें तो वही तो डोमेन बचेगी। यानी कि x तो हमारा रियल नंबर है, उसमें से सारे क्या हटा दिए 90 और तभी हमने माइनस लगाया। तो ये जो है ये 90 और 270 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हटा देंगे माइनस, यानी रियल नंबर से रियल में से सारे हट जाएंगे, सारे ये 270 वाले हाँ तो ये हो जाएगा, तो ये हमारी डोमेन हो गई, डोमेन हो गई। बात क्लियर है? ठीक हो गया आज के लिए इतना, बहुत काफी।